प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने केन्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिकरू कांड में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा भी। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी। शिवपाल यादव जी से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था पर विपक्ष उसको घेर रही है, उसमें आप क्या कहेंगे सर? भैया देखिए, लाइन आर्डर तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और देखिए हत्याएं हो ही रही हैं, रेप जैसी घटनाएं बढ़ ही रही हैं और लूट हो ही रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो ये सरकार तो एक तरह से पूरा का पूरा इकबाल खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से इकबाल खो चुकी है। अब अधिकारी हावी हो गया है, सरकार पर अधिकारी हावी हो चुके हैं, तो पूरी तरह से पूरे प्रदेश की जनता दुखी हो चुकी है और बदलना चाहते हैं। सर, बिकरू कांड बहुत नाम हुआ था इसका, जिसको सरकार ने काफ़ी अपना विफल बताया था, देखा जाए तो विपक्ष घेरा था। आज एसआईटी की रिपोर्ट आई है, 3200 पन्ने की रिपोर्ट है, जिसमें कई बड़े अधिकारी और कई बड़े नाम आए हैं। क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी या इसको एकदम शांत में बैठ संधि पक्ष में रख देगी? सर, अब ये जाँच जो कराई थी, अब जाँच पर तो कार्रवाई होना चाहिए ना। किसी न किसी पार्टी से फिर हमें तो करना ही है। तो सर, क्या चुनाव में क्या राजनीति क्या देख सकते हैं उसको, क्या फिर बदल कुछ दिखेंगे? क्या सपा के साथ एकदम प्रगतिशील पार्टी समाज साथ में आके का एक ही साथ चुनाव लड़ेगी, क्या ऐसा कुछ संभव लग रहा है? सर देखिए, तालमेल करेंगे, तालमेल हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चुनाव चिन्ह चाबी रहेगा और हम तालमेल करके चुनाव लड़ेंगे। सर, एक बहुत बातें सामने आई थी कि जिस तरीके से शिवपाल यादव जी अगर सपा में होते तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कहीं ना कहीं कमी खल रही है अखिलेश यादव को भी, क्या वो आप इसको कितना सही मानते हैं? सर, अब बहुत समझे, हमने तो देखिए बहुत कुछ बोल दिया है, कह दिया है, अब जवाब तो उनकी तरफ से आना। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शिवपाल यादव जी, ने साफ तौर पर बताया कि जवाब अब अखिलेश यादव जी देंगे और उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार घेरा। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में